आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम 121 में आज हम आपके सामने आ गए हैं। प्रोग्राम 121 का मतलब है हमारी बातचीत सीधा 121 और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे है। ये आज हमारे में जो शख्सियत आई हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। विनर ऑफ वॉइस ऑफ पंजाब सेशन 6 PTC और जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो घूमी हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी गायकी का सिक्का मनवाया है। मैं तारुफ करवा रहा था सोनाली डोगरा का। सोनाली डोगरा जी, आपका स्वागत है 121 में। जी नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सोनाली जी, हमारी ज़्यादा बात ना करते हुए हम ये चाहते हैं कि आपका पहला वो गाना कौन सा था जो आपने गुनगुनाया था? स्कूल टाइम की बात करूँ तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। तो वो एक कृष्ण भजन था जो कि डोगरी में था, तो उसी की कुछ लाइंस में मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सही बात है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले अगर ऊपर वाले की पूजा की जाए या माना जाए तो बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम 121 में सोनाली का वो पहला गाना जो उसने गुनगुनाया था और इत्तेफाक से वो एक भजन है, वो भी आपके समक्ष सोनाली जी प्लीज। साढ़े शाम पधारे ना, साढ़े शाम पधारे ना, अस दे लग दे प्यारे ना, साढ़े शाम पधारे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जब आपने भजन गाया उसके बाद आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए? मेरी जो म्यूज़िक टीचर थी स्कूल में, इवन प्रिंसिपल मैम भी, उन्होंने काफ़ी बार मेरी मदर को बोला कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसे सिखाएं आप। और मतलब घर में इतना माहौल वैसा था ही नहीं कि कोई ना सिंगिंग लाइन में था या कोई भी, हमारा बैकग्राउंड है नहीं इस चीज़ से। लेकिन ये रहा शुरू से कि सपोर्टिव रही फैमिली, साथ साथ मदर रही हर फंक्शंस में, हर मतलब हर चीज़ में पार्ट लेने को कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि आप नहीं करें स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट। तो मदर ने सोचा कि ठीक है, गाती है तो गा रही है नॉर्मली। इवन मैं खुद भी ऐसा सोचती थी कि ये प्रोफेशन नहीं बन सकता है, मतलब प्रोफेशन वही है, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, ये सब चीज़ें हमारी माइंड में थी। तो मैंने भी सोचा ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है, बड़ा शौक है, साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। बस धीरे धीरे चलते गए, मदर ने नॉर्मल लिया, ठीक है, टीचर ने बोला कोई बात नहीं, गा रही है घर में, घर वालों का सर खाते रहना, सुबह शाम उनको गुनगुना के सुनाते रहना गाने। लेकिन कहते हैं कि वो जो डेस्टिनी में है वो तो मिलेगा ही, और माता रानी की कृपा थी तो बस वो चलता रहा सिलसिला। पढ़ाई के बारे में कैसा रहा आपका? पढ़ाई में मेरा कहने का मतलब ये, स्कूल में ही गुनगुनाना शुरू हुआ और स्कूल में ही पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई पे कितना असर रहा और आपने पढ़ाई को कितना कैरी करके आगे चले? काफ़ी देर तक मतलब टॉप ही करती रही स्कूल में, मतलब अच्छा रैंक रहता था। लेकिन उसके बाद जैसे 9th-10th की बात है, तो उस टाइम तक मैंने इस चीज़ को अपने मन में बिठा लिया था कि मुझे सिंगर ही बनना है। क्योंकि इन बिटवीन क्या होता था, स्टडीज़ के साथ साथ मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स विन किए। मेरा फर्स्ट नेशनल लेवल वाला कॉम्पिटिशन था वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के मैं टॉप 15 कंटेस्टेंट्स में थी, जिसमें 24 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ था एंड जम्मू कश्मीर को मैंने किया था।
तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं जम्मू से जा रही हूँ, और लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, बस जस्ट परफॉर्म करती थी, सीखा बिल्कुल नहीं था. जब मैं वहाँ गई उसके बाद मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की, पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी से क्लासिकल शुरू किया. और एग्जैक्टली कहते हैं कि गाना या कोई भी टैलेंट हो, उस चीज़ को वैसे करना और सीख के करने में बहुत अंतर है, फ़र्क आता है. बहुत फ़र्क आता है. बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें वाकई फ़र्क आता है कि जब भी कोई आप काम ऐसे शौकिया तौर से कर रहे हैं तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा होता है, आपको उसकी ग्रामर से वाकिफ़ नहीं होते हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं और अच्छा लग रहा होता है. कई लोगों को सुनने में भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, एक तालीम हासिल करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा बंद भी जाते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये. यानी हाँ, वो आपका अच्छा सफ़र एक है पढ़ाई का. आप पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद सीधी कॉलेज में आई, कॉलेज के बाद आप डिस्प्ले योर टैलेंट में आई. डिस्प्ले योर टैलेंट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी का, जिसने बहुत से कलाकार दिए हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिस्प्ले योर टैलेंट से कई कलाकार गायकी में, पेंटिंग में और IAS KAS कैडर के ऑफिसर्स में गए हुए हैं. कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर फ़न भी सीखा हो तो वो बेकार नहीं जाता, और अगर फ़न के साथ पढ़ाई भी की हो तो वो पढ़ाई भी बेकार नहीं जाती. तो डिस्प्ले योर टैलेंट में आपने जो पहला गाना गाया था वो ज़रा सुनाइए. डिस्प्ले योर टैलेंट में मैंने सेमी क्लासिकल गाया था, उसी की कुछ लाइन जी जी काफ़ी थी वो उसका कुछ. निहारा सावल मोड़ मुहार ततिरोरो में वाट निहारा सावल मोड़ मुहार हो सावल मोड़ क्या बात है. सोनाली अभी तक तो हम कॉलेज में ही हैं, अभी मैं आपको कॉलेज में ही घुमाऊंगा और डिस्प्ले योर टैलेंट में ही घुमाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले योर टैलेंट में कुछ मेरा ख्याल है फोक सॉन्ग का भी होता है, और उसमें भी तुमने पार्टिसिपेट किया है आपने. जी जी जी. हाँ, मुझे जहाँ तक याद है. बिल्कुल. मैं आपका दर्शकों से मेरी यही है कि सोनाली को पकड़ना आसान ही नहीं, बहुत मुश्किल ही है. मतलब डॉन वाला डायलॉग इसके लिए फिट है, और हमारी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पूरी टीम ने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. हम इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम इनकी गायकी का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं, और हमारे साथ साथ हम चाहते हैं कि दर्शक भी, आप भी हमारे साथ मज़ा लें, क्योंकि सोनाली के सफ़र से मैं इसका स्कूल का सफ़र और उसके बाद अब कॉलेज में आई हैं ये, तो कॉलेज का इनका जितना भी गायकी का सफ़र है हम उससे ले रहे हैं.
सोनाली किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। और सोनाली वही गाना, फिर जो फोक डोगरी का गाना, डोगरी फोक जो मैंने उस टाइम पे गाया था। हाँ जी, जो हम उसी टाइम का हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हम आपसे अभी गवा रहे हैं, ये लोगों को आपके सफ़र का मुझे नहीं लगता है पता है कि ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने इन चीज़ों से शुरुआत की है, उसके बाद आपने इसकी तरबियत हासिल की है, और ये सफ़र आपका हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी सुनेगी तो उन्हें एक जोश मिलेगा आपकी तरफ से। प्लीज़ क्या बात, बहुत अच्छा। फंदू मजूरिया नहीं हो लाना, ओ चन्ना नहीं हो लाना, ओ चिंदे नहीं हो लाना, फंदू मजूरिया नहीं हो लाना, चन्ना नहीं हो लाना, ओ चिंदे नहीं हो लाना, साड़ा गलाएदा सच यारो, साड़ा गलाएदा सच यारो, फंदू मजूरी बत्ता जंदे सीटी मार दे, के बत्ता जंदे सीटी मार दे। बढ़िया, ये जो बंधु मंजूरिया नहीं हो जाना, ये मलिका पुखरा जी ने भी गाया हुआ है, और उन्होंने तो बहुत पुराने तरीके से गाया, और आपने इसमें एक और एडिशन कर ली, वो वाली दूसरा वाला जो एक जोड़ा आपने, बहुत खूब। इसके साथ ही अब आपका घर में या आपकी फैमिली में दूर तक कोई म्यूज़िक से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था, कोई कला से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था, अपने आप में एक घरेलू तबके की फैमिली आपकी, उसमें आपको इन सब चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि आपकी माताजी ने आपको बहुत इनकरेज किया, वो सफ़र कैसा रहा, वो दिन कैसे रहे? बस वही था कि जब सीखती नहीं थी तो उससे पहले वही चीज़ें थी कि जो गॉड गिफ्टेड वॉइस थी, गाने सुन सुन के, थोड़ा सा ये मैं माँ भगवती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनके आशीर्वाद से ये माइंड में चीज़ रहती थी कि एक अगर सेकंड में कोई चीज़ सुनती हूँ तो एकदम से माइंड में वो आ जाती थी। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ एकदम से, मतलब आपकी सीखने की शक्ति इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा बार किसी के बताने पर मतलब वो ना हो जी। तो वही चीज़ रही शुरू से, मतलब घर में जब गुनगुनाना तो मदर को लगता था कि ठीक है गाती है, और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल लेना उस चीज़ को, बट जब उस लेवल पे बात वही है, जब लोगों के सामने आने लगती है चीज़ तो वही चीज़ जो है वो एकदम से उसको फिर अपना हाई भी मिलती है, अपना दही तब मीठा लगने लगता है कि जब लोग तारीफ करते हैं जी कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा गाया या आपने बहुत अच्छा किया, तब वाकई माँ बाप का दिल गजबर का हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपकी माता जी, आपके भाई और आपके तमाम जितने भी रिश्तेदार होंगे दाएं बाएं, वो सब बड़ा प्राउड फील करते हैं, उनके साथ साथ हम भी जम्मू कश्मीर वाले भी प्राउड फील करते हैं, हम सब लोग प्राउड फील करते हैं जब आप गाती हैं या जब आपका जिक्र होता है, जब आपका नाम लिया जाता है। आज आप जिस मुकाम पे हैं, वाकई वो मुकाम हासिल करने के लिए आपकी अपनी एक बहुत मेहनत है, एक सफ़र है। अब दर्शकों को हम इतना क्या बताएं, आपने खुद ही बता दिया कि हमारे घर में कोई नहीं था और आपने सिर्फ माता जी का एक सपोर्ट रहा, बहुत बड़ी बात होती है घर वालों की सपोर्ट मिलने से, और उसके बाद उसने आपने अपना मुकाम बनाया। इसके बाद जब आप
डिस्प्ले योर टैलेंट तक थी, उसके बाद फिर डिस्प्ले योर टैलेंट ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पे लेके गई और जोनल लेवल पे भी लेके गई, और उसमें भी आपको इनामों से नवाजा गया, इज्जत अफजाई आपकी बहुत हुई। जो आपने नेशनल में, पहले तो मैं जोनल वाला सॉन्ग सुनूंगा जी। जो आपने जोनल में गाया था वो ज़रा सुना दें। एक्चुअली मैंने उस टाइम पे मेरा ना ग्रुप सॉन्ग्स में भी मैं रही थी जी, तो सोलो में मैं सेमी क्लासिकल में ही पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो उसके बाद मैं कर नहीं पाई थी, एंड लाइट वोकल में था तो वो मैंने वो कुछ उसमें भी वो गाया था, बुल्ले शाह जी का कलाम था। बहुत अच्छा, वही अच्छा हो जाए कि बुल्ले शाह ही हो जाए कुछ। राझा मेरा लोक भाणे राझा चाक मजीना, मेरा ते दिन ईमान, मेरा ते दिन राझा मेरा, मैं राझे दी मेरे दिल विच होर ना कोई खया, जद बुल्ला पुल्ला पीर बनो अते दिल विच सोच दुड़ाई, केड़ा टंग बनावा यारों मेरी जिस विच होवे रसाई, क्या बात मेरा पीर मने तम जगते रहसा, नहीं ते जीवन लोड़ ना काई पाल बास तवेफा वाला, बुल्ले पैरी चांजर पाई निराझा जोगड़ा बन आया, निराझा जोगड़ा बन आया। क्या बात है। वासंगी सांग रचाया, वासंगी सांग रचाया, राझा जोगड़ा बन आया, निराझा जोगड़ा बन आया। बहुत खूब, बहुत खूब सोनाली। सोनाली यूनिवर्सिटी हम घूम आए, हम नेशनल भी घूम आए। सोनाली को वो कब महसूस हुआ कि अब नहीं, अब कुछ और? सर मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है, जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अगर मैं स्टेट लेवल पे अगर कोई कंपटीशन जीतती थी या कभी भी किसी ऐसी जगह पे कुछ अचीव करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, खुद से तो बढ़ती हैं और जो ऑडियंस हैं उनकी भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है सोनाली जी के, जब आपको किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है तो उस पुरस्कार को लेते हुए आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने इससे और अच्छा देना है और इससे और ऊपर जाना है और आगे निकलना है। हाँ प्लीज़, वो सफरा बता तो, रही थी जी। बस वही चीज़ें थी कि हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नया होना चाहिए। अभी मैं अगर स्टेट लेवल की बात करूँ तो मैं स्टेट पे मैं कंपटीशन विन किए, जम्मू आइडल, जेके आइडल, बहुत सारे डुगर संगीत एंड ऑल सब चीज़ें। फिर नेशनल लेवल की बात आई तो मैं वॉइस ऑफ इंडिया में गई और बहुत सारे लेजेंड्स के सामने गाने का मौका मिला और इवन बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा यही सवाल है कि वॉइस ऑफ पंजाब में कैसे गुनगुनाया, मतलब कैसे महसूस हुआ
कि मैं जाऊं, या कुछ आपका वो सोर्स क्या बना, तरीका क्या रहा? वॉइस ऑफ इंडिया में पहले मैं गई थी, तो उसमें तो वो बॉलीवुड सॉन्ग्स का ही रहता था सारा जी। तो उस टाइम पे क्या होता कि जम्मू में ही उनकी टीम आई थी मुंबई से, जब ये तब की बात है जब वो बम बम बोले वाला जी, हाँ, जी, 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 उस टाइम की बात है। तो जब ऑडिशंस हुए तो बस वही बात है, मेरे ब्रदर आकाश डोगरा वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो जी वो बस मॉर्निंग में उनको किसी से पता चला कि वॉइस ऑफ इंडिया की टीम आई हुई है जम्मू में तो और आपको वहाँ पर मतलब ऑडिशंस होनी है। तो मैंने सोचा, मुझे कॉल आ गया भाई का कि जल्दी जल्दी रेडी हो जा, वहाँ जाना है। तो मैंने कहा ये पागल है, ये सब मेरे को बेइज्जती करवाएंगे, अपनी भी और मेरी भी। मैंने कहा ऐसे मत करो, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन मतलब होता है और मैंने भी कुछ सीखा नहीं है। वही बात है कि सीखने के बाद इंसान को थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिर्फ गुरुओं के आशीर्वाद से ही आता है ना, तो वो उनका आशीर्वाद रहता है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, इंसल्ट होगी। तो मेरी फैमिली का जो आगे से आंसर होता है वो हमेशा यही होता है कि सेलेक्ट होने के लिए तो हम बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंस लेना। जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप में क्या कमियां हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना है, वो सबसे मेन चीज है। बिल्कुल सही आपने कहा सोनाली जी, के वो ही आदमी होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। और गलती के मामले में मेरा ये मानना है कि जो गलती आपसे आज होती है वो कल ना हो, ना हो। कल आप गलती करें पर दूसरी करें, नई गलती करें, गलती दोबारा वो नहीं होनी चाहिए। और जो आपका उस वक्त ये सोचती कि जाना चाहिए, और घर वालों ने भी जो कहा, आपके भाई ने जो आकाश जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा था आपसे कि जाओ तो सही, एक्सपीरियंस लो, गलती करो, वो गलती सुधार लेंगे प्लीज़। तो बस मैं ऑडिशन देने के लिए चली गई, कुछ गाने याद थे तो बस ऑडिशन दिया और लकीली मैं ही सेलेक्ट हुई जम्मू कश्मीर से अकेले। तो वो वही बात थी कि जब घर वाले ये बोलेंगे जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक क्या पता चलेगा। फिर सेलेक्ट हुई, मुंबई गई सेलेक्ट होके, वहाँ पे अलग अलग स्टेट से कंटेस्टेंट्स थे और वो सब लोग दिग्गज मतलब सीखे हुए एक्सपीरियंस लोग थे। गाना कौन सा गाया था? तब मैंने गाना गाया था तारे हैं बाराती। तारे तारे हैं बाराती, प्लीज कुछ लाइन है। अखियां मिला के चन्ना पाविना जुदाई वे, अखियां मिला के चन्ना पाविना जुदाई वे, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद? तो उसके बाद वहाँ पे जब टॉप 24 में रही, उसके बाद टॉप 15 में आ गई। गुड। तो नेक्स्ट राउंड क्लियर किया और फिर वहाँ से एलिमिनेट हुई थी मैं टॉप 15 से। लेकिन तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उन, मतलब अब आप एक जम्मू कश्मीर से मैं आप गाती रही हूँ, उसके बाद एक यूथ टैलेंट में आप गाती रही, लेकिन अब आपकी गायकी एक बड़े पर्दे पे आ गई थी, बड़े मुकाम पे आ चुकी थी, और ऐसी जगह जैसे हिंदुस्तान से अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए थे और एक से एक बढ़कर होंगे, तो वो वाला अनुभव आपका कैसा रहा, वहाँ आपको क्या फील हुआ और आप कैसे रहें वहाँ? वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा रहा कि पहले तो कुछ दिन डर से ही निकल गए कि मतलब डर में ही कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं आता है और मतलब बस ऐसे ही आ गई हूँ, मतलब किस्मत थी तो पहुँच गई, ऐसा कुछ फील होता था। लेकिन यही माइंड में रहा कि अगर अपने आप को ही वीक समझूंगी तो फिर बाकी वाले भी मुझे वीक ही समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके आप अपने आप को ही अगर कमज़ोर समझेंगी फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका फैसला बिल्कुल सही था
कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं करूँगी। फिर जी फिर बाकियों को सुन सुन के बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे गाने वहाँ पे सीखने का मौका मिला। और स्पेशली यही था कि जब इतने सारे लेजेंड आर्टिस्ट हों, इतने सारे हमारे जजेस थे, हमारे मेंटर्स थे, उन्होंने जो चीज़ें सिखाई वो आज तक काम आ रही है और लाइफ टाइम काम आएंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बस वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, वो मेरी एक जर्नी का कहते हैं स्टार्टअप था, और वो चीज़ें आज तक चल रही हैं साथ में। सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक्त अगर आपको आकाश ना कहता जी, चलने के लिए जी, और जो आपने वहाँ से सीखा वो मिस हो जाता। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आप पंजाब की तरफ आए जी, वो वाला सफ़र क्या रहा? वॉइस ऑफ इंडिया के बाद जब मैं वापस आई थी तो फिर वो चलता रहा, क्योंकि म्यूज़िक तो शुरू हो गया वाला जी, वो बिल्कुल तो सीखना शुरू किया, क्लासिकल सीखा गुरुजी से अपने, और फिर इन बिटवीन डोगरी भी गाती रही। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने डोगरी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्राई किया। मैं अभी जो हमारी आपके साथ बातचीत जितनी भी हुई और जितने भी गाने हुए, मैक्सिमम जो गानों की एवरेज निकाली जाए है, वो मैक्सिमम एवरेज जो निकली है वो पंजाबी की निकली है। पंजाबी, और हम यहाँ जम्मू कश्मीर से हैं, डोगरी से भी हमारा एक जुड़ाव है, इसमें कोई दो राय नहीं और ना ही शक है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ डोगरी का जो आप जी 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 जरूर डोगरी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही डोगरी से हुई है और घर में जी, भी डोगरी ही बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। और लगाव जो अपनी भाषा से है तो वो तो हमेशा मैं इस मामले में मुझे भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी भी अगर नेशनल सीन पे किसी कोई मेरी पहचान हुई थी ड्रामे के हवाले से तो वो मेरा ड्रामा डोगरी का ही था। प्लीज़, तो डोगरी एक के फिर उसके बाद मैंने कश्मीरी भी गाया, गुड, उर्दू में भी गाया, फिर गुजराती गाया, राजस्थानी, पंजाबी। पहले मैं आप कश्मीरी आप सुना दीजिए, क्योंकि okay. कश्मीरी आपने कहा तो आप कश्मीरी गाना सुनाइए। ओके, कश्मीरी का एक सॉन्ग इन एग्जाइल है, मैं उसकी कुछ लाइन सुना जी, जी प्लीज प्लीज। छुदोई गोमोत्य सब्जा अशिष्चेदार क्या करो हे क्या करो गुलन तबुल बुलन छला अशिष्चेदार क्या करो हे क्या करो। ये सॉन्ग इन एग्जाइल ये कुलदीप सप्रू जी ने मुझे सिखाया है जी, और भी बहुत सारे कश्मीरी गाने गाए, तो ये कुछ है झलक कश्मीरी, क्योंकि गाने का यही होता है अमूमन जब आप उस भाषा में नहीं बोलते हैं या वो भाषा आप नहीं करते हैं तो वो कुछ देर के लिए ही याद रहती है, उसके बाद मुझे कश्मीरी और गाने बहुत याद हैं। ये मैंने आपको एक जस्ट नहीं, नहीं, नहीं बहुत अच्छा, मैं बहुत उसकी कश्मीरी एक छकरी है, मैं उसका कुछ सुनाना चाहूँगा। हाँ जरूर जरूर, अगर कोई गलती हो तो मैं पहले ही माफी चाहूंगा। हम दर्शकों से ये माफी चाहते हैं कि कुछ लैंग्वेज को लेके जो कि इनका जॉनर नहीं है उस, लेकिन हम इन्हें उसके लिए कह रहे हैं गाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी जो यूटी है वो अलग अलग भाषाओं से है, तो हम हमारे लिए सारी भाषाएं बराबर हैं, इसीलिए हम कुछ भाषाओं में इनसे गाने गवा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सोनाली गाने से ही पहचानी जाती है और सोनाली को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहेंगे। हाँ सोनाली जी, शन गो मई बलिए रुन दामान भ्यो मई शन गो मई बलिए शन गो मई बलिए लुक चार रावरो धुरनी दूरो हने अंस रोमई शन गोमई बलिए शन गोमई बलिए ऋण दामान प्यो मई शन गोमई बलिए शन गोमई बलिए। वाह क्या बात है। अभी आपका सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, बहुत आपने किया है, और एक अगर फहरिस्त बनाना शुरू करें तो बहुत लंबी फहरिस्त बनती है,
अभी हम आपके पीटीसी और इधर इधरी में अभी घूम रहे हैं हम अभी, आपने अब्रॉड में भी गए हैं, कनाडा वगैरह, जापान वगैरह, वहाँ का कैसा अनुभव रहा? हमारी भाषा को वहाँ पे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कैसे? फर्स्ट मेरा जो इंटरनेशनल टूर था वो था सोनजल फाउंडेशन के साथ, और वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का जो डाइवर्स कल्चर है उसे वहाँ प्रेजेंट करना था हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को लैंग्वेज समझ आती हो या ना आती हो, लेकिन किसी भी जगह का जो म्यूज़िक है, जो फोक है, वो आपके पैर जो हैं वो थिरकने पे आपको मजबूर करेगा। ये मैंने फील किया है जापान में जाके। जब मैं जापान गई तो वहाँ पे जापनीज थे बहुत सारे इवेंट में, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का इवेंट था, और इंडियंस तो थे उनके साथ साथ जो वहाँ के मिनिस्ट्री में थे वो जापनीज भी थे कुछ। तो मैंने शुरू किया डोगरी फोक और कश्मीरी फोक। तो जैसे ही मैं डोगरी गाने लगी, उनको कुछ नहीं पता था डोगरी के क्या वर्ड्स हैं या क्या है, लेकिन हमारे फोक ने उन्हें नाचने पे मजबूर किया। कौन सा गाना था? मैंने डोगरी में गाया था ठंडा पानी पीन देन पहाड़िए लोग। गाओ जी। ठंडा पानी पींदे ने पहाड़िए लोग, ए ठंडा पानी पींदे ने पहाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे ने पहाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे ने पहाड़िए लोग। साढ़े पहाड़िए दा के है खाना, के है खाना, के है खाना, साढ़े पहाड़िए दा के है खाना, के मकुए दा टोडा है सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, हे मकुए दा टोडा है सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, मर्च ने बनी लिए मौज, ठंडा पानी पींदे ने पहाड़िए लोग, ए मर्च ने बनी लिए मौज, ठंडा पानी पींदे ने पहाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे ने पहाड़िए लोग। आपने तो कहा कि जापान के लोग थिरकने लगे, हिलने लगे, तो मैं अभी आप जो गा रही हैं तो मेरी जो टेक्निकल टीम है वो भी हिल रहे हैं। अब उनका हिलने का तरीका अलग तरीके से था, उनके पांव नीचे से धमक धमक लग रहे थे, पांव हिल रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि म्यूज़िक में एक अपना सेंसेशन होता है, जो बॉडी के अंदर म्यूज़िक सेंसेशन होनी चाहिए, ये ऐसा मानना भी है, और वो चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। आपका कनाडा में भी पंजाबी कंसर्ट्स का रहा है और भी बहुत सी जगहों पर रहा है, वो एक आपका वसी तजुर्बा है उसके मामले में। उसके अलावा आपके एल्बम भी निकली हैं, आपकी वीडियोस भी निकली हैं। अभी रिसेंटली पीटीसी पंजाबी ने आपकी एक वीडियो निकाली है, वो आने वाली है शायद, के बहुत बढ़िया है, मैंने उसका एक प्रोमो देखा, रिलीज़ हो चुका है वो रिलीज़ हो चुका है, बहुत बढ़िया है। और क्या सोनाली अब यहीं तक, या सोनाली अभी और सोच रही है आगे? जी सोच तो बहुत आगे की है, मतलब हमेशा वही है कि एक चीज़ का सपना होता है, वो जब अचीव कर लो फिर नेक्स्ट वो कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है। और शुरू से ही रहा मेरा भी, मेरे फैमिली में भी सबका, कि बॉलीवुड में जाने का सपना है। तो वॉइस ऑफ पंजाब में गाना, उसे जीतना टाइटल को, वो मेरे लिए एक ड्रीम था कि एक अलग स्टेट में जाकर, क्योंकि उनका अपना ही एक बहुत बड़ा दायरा है, मतलब बहुत, मतलब उनके घर में छोटा बच्चा भी हो वो भी एकदम सुरीला पैदा होता है। तो बस वही बात है कि मुझे ये था कि वहाँ जाकर उन लोगों की नज़र में भी अपनी एक छाप छोड़नी, कि ठीक है मैं भी कुछ गाती हूँ या समथिंग। एग्जैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई शक नहीं है
कि पंजाब में जाके हमारी जम्मू की बच्ची ने अपना लोहा मनवाया, जबकि पंजाब के बच्चे बच्चे की रग रग में गायकी है और कमाल की गायकी है। आप टेलीविज़न के ऊपर कई प्रोग्राम देखते होंगे जिसमें पंजाब से आए हुए लोग क्या रेंज में जाते हैं, किस फिज़ा में उड़ते हैं और क्या गायकी, और ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, गाने सुनने को मिलते हैं जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता है, फोक को लेके, लाइट को लेके। इसीलिए पंजाब की अपनी एक म्यूज़िक की इंडस्ट्री है और कमाल की इंडस्ट्री है, जो कि खाली हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनल सीन पे भी है। आप देख लीजिएगा कि कोई भी हिंदुस्तानी फिल्म जो बनती है उसमें एक पंजाबी गाना या एक कुछ पंजाबी कल्चर का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि फिल्म NRI में बेचनी होती है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोनाली ने, हमारी जम्मू की शान ने, अपना एक मुकाम वहाँ पे भी बनाया है। उस मुकाम को बनाने के लिए सोनाली की एक मेहनत थी। हम जानना चाहेंगे कि सोनाली वहाँ का वो सफ़र और वहाँ के लोगों के साथ भिड़ने का सफ़र, भिड़ने का मतलब ये है कि जो आपका वो कंपटीशन था, क्योंकि वो प्रोग्राम मैं भी देखता रहा और क्या वो पंजाब के बच्चे आए होते थे, लड़के लड़कियाँ, तो वहाँ हम देखते हुए भी हमें डर जैसा लगता कि हमारी अब ये छोटी सी सोनाली क्या करेगी। लेकिन आपने बहुत बढ़िया किया, आपने वहाँ का टाइटल जीता और हमारी जम्मू कश्मीर की शान बढ़ाई। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वॉइस ऑफ पंजाब के लिए ये था, पंजाबी तो गायन था, मतलब गाने गाती थी लेकिन लैंग्वेज नहीं मुझे पता, और रीजनल शो जब भी होता है वहाँ पे लैंग्वेज ही उसी में बात भी उसी में की जाती है। तो जब मैं पहले चली गई उसमें तो वो लोग बात करते थे और मेरी हिंदी और डोगरी थोड़ी मिक्स सी रहती थी वहाँ, हिंदी डोगरी पंजाबी का मिक्सचर वहाँ पे मैं पेश करती थी। लेकिन लैंग्वेज एक अलग चीज़ थी, उसको मतलब उसको सेकेंडरी ही उन्होंने माना, उन्होंने टैलेंट को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उन्होंने उसी को माना। और जब आवाज़ सुनते थे वहाँ पे वो, तो फर्स्ट डे से स्टैंडिंग ओवेशंस का सिलसिला चला, और मैं इसे ब्लेसिंग मानती हूँ कि मेरी माँ बाबे वाली की ब्लेसिंग है और जम्मू वाले सब लोगों की, कि जिनके आशीर्वाद से, मेरे गुरु जनों के आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँची और इतने दिग्गज, इतने लेजेंडरी लोगों से मुझे वो ब्लेसिंग्स मिलनी, वो आशीर्वाद मिलना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बस जब परफॉर्मेंस शुरू की तो एक ही माइंड में चीज़ थी कि बेशक पंजाबी है परफॉर्मेंस यहाँ पे, मतलब रीजनल शो है, लेकिन इसमें भी अपनी वर्सेटैलिटी शो कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में, सूफी, लाइट, फोक, हर चीज़ें वहाँ ट्राई की मैंने, इवन सैड, रोमांटिक, जितने भी हो सकते थे मुझसे वो चीज़ें वहाँ गाई। और मोस्टली मैंने वहाँ लोगों का, हर एक का अपना तरीका है गाने का, हर एक कंटेस्टेंट का, हर एक इंसान का, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ जो मेरे साथ के पार्टिसिपेंट्स थे, जो कंटेस्टेंट्स थे, उनकी एक चीज़ थी कि अगर कोई सॉफ्ट नंबर गाता तो वो थोड़ा उसी में ज़्यादा चले जाता था, मतलब वो उसी को हर दिन गाता था। लेकिन मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी कि अगर हम एक ही जॉनर शो करेंगे तो हम कभी वर्सेटाइल नहीं बन सकते, और कहीं पर भी हमें एक आर्टिस्ट के लिए खासकर, कभी भी हम किसी स्टेज पे जाएं तो हमें कोई बोल दे कि आप हिंदी में गाएं या रोमांटिक गाएं या गुजराती गाएं, तो मैं वहाँ ये नहीं बोल सकती मुझे नहीं आता, मतलब ना तो निकल ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आपके पास वो सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए कि आपको ना बोलनी ही ना पड़े, ना शब्द जो है वो डिक्शनरी में रखना ही नहीं रखना है। और चलो वो एक अलग चीज़ है कि अगर कोई चीज़ बड़ी ऐसी चीज़ है जो ना तैयार की हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज़ का पता हो और ट्राई भी करें कि आप बेस्ट कर सकें। तो जब वहाँ पे एक्सपीरियंस था वो यही था कि बच्चे सोचते थे कि हम एक जॉनर में गाते हैं तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन जब मैं हर डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में वहाँ परफॉर्म करती थी, शायद जजेस को और ऑडियंस को वो चीज़ जो है वो माइंड में आई, और इवन PTC टीम भी ये चीज़ नोटिस करती है कि कौन इंसान जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ से मेहनत नज़र आती है कि आप मेहनत कर रहे हैं, और हमारे पास वहाँ टाइम नहीं होता था, मतलब आज हमारा शूट एक ख़त्म हुआ है तो कल दूसरा है, तो हमारे पास गाना तैयार करने का टाइम नहीं होता था। तो वहीं वो चीज़ें काम आई जो मैंने आपको शुरू में बोली थी कि माइंड जो है वो आपका शार्प होना चाहिए, कि आपको अगर आधा घंटा भी मिलता है, आधे घंटे में आप रेडी करके एकदम उसको रात तक पूरा तैयार कर, तो बस ये जो रियलिटी शोज की जो जर्नी होती है वो आपको यही चीज़ सिखाती है कि आप कितने शार्प हैं, और शार्प अगर नहीं है तो बनना कैसे है, वो चीज़ें आज आपको मदद कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा गाना उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो आपने आपको लगता है, आपने सारे गाने अच्छे गाए, लेकिन कोई एक गाना जो उसमें जो आप लगता है आपको कि बहुत अच्छा है?
मैंने एक फर्स्ट सॉन्ग गाया था आज कोई जोगी आवे उसे शुरुआत थी मेरी। रांझा जोगिया बनया ओ ने अनोखा पेस तराया अहदो अहमद नाम तराया तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना मैनू चढ़िया रूप दास मैनू चढ़िया रूप दास प्यार दी बीड़ सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे जोगी 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 मैनू चढ़िया रूप दासे मैनू चढ़िया रूप दासे मैनू चढ़िया चढ़िया मैनू चढ़िया मैनू चढ़िया रूप दा जहर प्यार दी बीण सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत खूब। सोनाली का अगला सफर है जो वो जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि बॉलीवुड में गाने का जाहिर है हर गाने वाले का होता है कि एक के बाद एक एक के बाद एक रेडियो पे भी ये गाती हैं टेलीविज़न के लिए भी गाती स्टेज शो तो माशाल्लाह ये करती हैं और अपना कटरा में जब नवरात्रे होते हैं तो उस दौरान भी वहाँ जाके गाती हैं वो इनकी अपनी एक भक्ति है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिल्म के लिए गाने के लिए मैं मुझे ऐसा लग रहा है सोनाली कि माता रानी की कृपा रही या पीर फकीरों की दुआ रही तो जल्द ही आप किसी फिल्म में भी गाएंगी ऐसा मेरा मानना है ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। बाकी करने वाला ऊपर वाला है। और हम अब ये आपसे जानना चाहते हैं अभी हमारे पास COVID-19 चल रहा था जी। इस COVID-19 में आपने अपने आप को आपने अपनी गायकी को बंधा हुआ तो नहीं महसूस किया? ऐसा है कि जैसे हर दिन इवेंट्स रहते हैं वो चीज़ें तो बहुत मिस की क्योंकि एकदम से ज़िंदगी में जब से पैदा हुए हैं तब तक ऐसा सिचुएशन कभी फेस नहीं किया है तो वो अभी आके ये पता चला है ये फील हुआ है कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं इंसान के साथ और इसके मतलब लिए भी तैयार इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो जिन्होंने अपनी सेविंग्स नहीं की थी या जिन लोगों को कभी माइंड में आई नहीं ये चीज़ कि हमें ये भी कभी फेस करना पड़ेगा इस सिचुएशन का भी तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली हैं कि सेविंग्स और कुछ अपना एक गाने के साथ साथ एक अलग आपको एक बिजनेस भी रखना चाहिए जिसमें आपका कुछ हो सके। क्यों? क्योंकि इवेंट्स बंद हो गए अभी बिजनेसमैन जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं दुकानें खुली हैं शॉप्स ओपन हैं सब चीज़ें हालांकि नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है लेकिन उसके साथ साथ सब काम चल रहे हैं। लेकिन जो एक आर्टिस्ट है उसका कोई काम नहीं चल रहा और उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं हुई है तो वही बात है कि मुझे भी ऐसा लगा एक टाइम पर आके कि बस अब ख़त्म हो गया सारा कुछ मतलब घर पे ही रहना है अब कहीं बाहर नहीं जाना है एकदम से वो बंधे हुआ फील किया मैंने। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ लगी कि अगर हम लोग डिप्रेस्ड फील करेंगे तो हम लोग अपना ही नुकसान करेंगे क्योंकि ठीक है ये इस टाइम चल रहा है कोविड का जो इशू लेकिन ठीक भी हो जाएगा कोई बात नहीं मतलब एकदम बी पॉजिटिव बोलना भी बड़ा डर लग रहा है कहीं बोल दो पॉजिटिव तो वो भी है। लेकिन मैंने सर लॉकडाउन में अगर मैं बात करूँ मैंने कोविड के इस टाइम पे भी मैंने बहुत काम किया घर से
ये जो मेरा अभी गाना रिलीज हुआ है यारा तेरी कमली पीटीसी के लिए, वो भी मैंने लॉकडाउन में ही इसे गाया है और विद परमिशन मैंने इसका शूटिंग जो है किया था। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव आजकल कहना सुनना खतरे से बाहर नहीं है जी। लेकिन इंसान की सोच में बी पॉजिटिव होना चाहिए। वाकई कोविड के दौरान कलाकारों ने बहुत सफ़र किया है। ये वन टू वन प्रोग्राम हालांकि पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमने सोनाली से वन टू वन बात करते हैं, लेकिन वाकई ही इसमें आर्टिस्ट बहुत सफ़र हुआ है और ख़ास तौर पे वो आर्टिस्ट जिसे फोक आर्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं। जैसे सोनाली जी ने कहा कि हमें साइड बिजनेस भी कुछ रखना चाहिए, हम कलाकारी के सर पर नहीं जी सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी रखना चाहिए। इसके साथ सोनाली जी कुछ और बात लास्ट में, कोई हमें जाते जाते टाइम को मध्य, हम आपके साथ जितनी देर बैठे हैं उतना ही कम है, लेकिन जाते जाते एक बढ़िया सा डोगरी गाना अगर सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी डोगरी भी सुनाऊंगी और उससे पहले दो लाइंस में जो मेरा नया गाना आया है उसकी गाना चाहती हूँ। हाँ, वो सुना ले जी। और ये भी कहना चाहती हूँ कि सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आज सर मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को फील करती हूँ कि मुझे आपके साथ यहाँ बैठने का मौका मिला। और मतलब सपना होता है लोगों का कि इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, सो आई एम वेरी लकी कि मुझे आज मौका मिला। थैंक यू। और जम्मू के लोग, इवन वर्ल्ड वाइड ये गाना रिलीज़ हुआ था मेरा यारा तेरी कमली जो 23 को रिलीज़ हुआ है, तो बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है सभी लोगों का और मैं इसी चैनल के मीडियम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच और आगे भी इसे शेयर करते रहें और मैं नए नए गाने डोगरी पंजाबी हिंदी बहुत सारे गाने आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। तो इसकी कुछ दो लाइन्स। वे यारा तेरे नाल लड़िया अखा लड़िया ते सुद बुद खोई, वे तेरा ही खुमार चढ़िया मैनू दुनिया दी खबर ना कोई। कमली होई मैं तेरी कमली हो यारा तेरी कमली होई नी मैं कमली, कमली होई मैं तेरी कमली हो यारा तेरी कमली होई नी मैं कमली। तो ज़रूर आप इस गाने को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा और प्यार दें, शेयर भी ज़रूर करें। और सर जाते जाते डोगरी की बात है तो डोगरी च की आखना चाहनी हाँ, खंड मिठे लोग डोगरे, तो ये साढ़ा आखते ना जिन्हें कि आखते कि वो प्रिय गीत जिसी दिल के बड़े करीब होंदा, तो सारे डोगरे दे बड़ा करीब है क्योंकि ये साढ़े डोगरे की मिठी जुबान ते दिल की गल की है, तो ये कुछ लाइन्स मैं सुनाना चाहनी हूँ। मिठड़िए ओए होए मिठड़िए आए हाय मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे, दिंदे ने जबान तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। इसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई हम सब लोग मीठे हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं हम सब। इसके साथ ही प्रोग्राम वन टू वन में आज हम सीधा सोनाली जी से वन टू वन मुखातिब हुए और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके साथ ही मैं आज सोनाली जी आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के स्टूडियो में आएँ और इस प्रोग्राम वन टू वन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हम दोबारा आपको मौका देंगे, मौका क्या देंगे आपको, तकलीफ देंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट को रख लीजिए, बस हुक्म करें बस। थैंक यू एक बार फिर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।